आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जिला सीतापुर। सूबे के डीजीपी ओपी सिंह अपने औचक दौरे के तहत रात को सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी अधिकारी व थाना अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग कर कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा अपराध के प्रति क्रैकडाउन रवैया रखने की वजह से 3000 के करीब बदमाशों को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। 1500 ऐसे भी बदमाश पकड़े गए हैं जो कि इनामी हैं। डीजीपी ने बताया कि 43 बदमाशों को जवाबी हमले में मारा गया है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर व फूलपुर के उपचुनावों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और क्या निकल कर आया? नहीं, ये कोई विशेष निर्देश नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ही निर्देश है कि किस प्रकार हम अपने पुलिस प्रक्रिया में ज़्यादा ठोस कदम उठाएं, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एक सुरक्षा की भावना जो है पूरे प्रदेश में व्याप्त हो। सीतापुर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, हमने कई जगहों पर जा जाकर इस प्रकार का भ्रमण किया है। आगरा में मैं कल गया था, उसके पहले मैंने लखनऊ, कानपुर, मेरठ सभी में किया और उसी श्रृंखला में इस प्रकार के विजिट्स होते हैं। जब हमें समय मिलता है तो मैंने सीतापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट का वो किया और मैंने यही निर्देशित किया अपने कप्तान को और अपने सभी थानाध्यक्षों को कि बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करना है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में। और जो हमारा पुलिस क्रैकडाउन चल रहा है वो पुलिस क्रैकडाउन हमारा निरंतर चलेगा। आपको मालूम है हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उसमें से 1500 के लगभग ऐसे अपराधी थे जो रिवॉर्डेड थे, जो पुरस्कृत थे, और जब उन्होंने हम पर गोलियां चलाईं तो हमने 43 क्रिमिनल्स को मारा है।